बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माचिस की तीली के आविष्कार के इतिहास के बारे में। इंसानी सभ्यता के विकास में आग की खोज का कितना बड़ा योगदान है, इससे हम भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि आग की खोज के माध्यम से ही इंसान को अंधेरे में रोशनी, सर्दी में गर्मी, जानवरों के हमलों से सुरक्षा और पका हुआ खाना मिला। पर इस उपयोगी आग को कभी भी और कहीं भी उत्पन्न करना और अपने साथ लेकर चलना इंसान के लिए हजारों सालों तक आसान काम नहीं था। उसे आग उत्पन्न करने के लिए काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे पत्थरों को आपस में रगड़ना या पेड़ की सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ना आदि। आग के सुविधाजनक और सुरक्षित उपयोग के बारे में 577 ईस्वी में लकड़ी की तीलियों पर सल्फर लगाकर इस्तेमाल की जानकारी चीन के लोगों को थी, पर ये मैच स्टिक्स वर्तमान की माचिस की तीलियों की तरह नहीं थे, क्योंकि उन्हें जलाने के लिए पहले से जल रहे एक आग के स्रोत की जरूरत पड़ती थी। माचिस की इन तीलियों को 1270 ईस्वी में इंच स्टिक्स कहा जाता था। इसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आग को सुविधाजनक रूप से और सुरक्षित ढंग से जलाने और उपयोग करने के लिए माचिस की तीलियों के समान किसी युक्ति की खोज की काफी कोशिश की गई, पर इस क्षेत्र में लोगों को कोई खास सफलता नहीं मिली। 1669 में जर्मन वैज्ञानिक हेनिक बैंडिट, जो एल्केमिस्ट की तरह दूसरे धातुओं से सोना बनाने की तकनीक में लगे हुए थे, पहले शख्स थे जिन्होंने फास्फोरस की शक्ल में ऐसे पदार्थ का पता लगाया जो खुद जल सकता था। जॉन वॉकर वो पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1826 ईस्वी में पहले स्ट्राइक मैच स्टिक्स से दुनिया का परिचय करवाया। उन्होंने सल्फर पेस्ट, पोटेशियम क्लोराइड, एंटीमनी और चीनी का उपयोग करके पहला घर्षण से जलने वाला माचिस की तीली का निर्माण किया, जो 3 इंच लंबे होते थे और बेलनाकार टीन के डब्बों में रखे जाते थे, तथा डब्बे के अंदर सैंड पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा भी होता था जिसके ऊपर स्ट्राइक मैच स्टिक्स को रगड़ने पर वो जल उठते थे। जॉन वॉकर की घर्षण से जलने वाली इन माचिस की तीलियों के साथ परेशानी ये थी कि ये उतने विश्वसनीय नहीं थे, यानी कभी कभी इन्हें जलाने में परेशानी होती थी और इनके जलने पर दुर्गंध भी फैलती थी। इसके बाद 1830 ईस्वी में सल्फर, पोटैश, एंटीमनी और व्हाइट फास्फोरस से जर्मन रसायन शास्त्री चार्ल्स सॉरिया ने एक ऐसा मैच स्टिक बनाया जिसे किसी भी सतह पर रगड़ने पर वह तुरंत ही जल उठता था और उसके जलने पर दुर्गंध भी नहीं फैलती थी। पर सॉरिया की माचिस के साथ परेशानी ये थी कि व्हाइट फास्फोरस की मौजूदगी के कारण उससे निकलने वाला धुआं अत्यधिक जहरीला होता था, जो इंसानों की सेहत के लिए बहुत घातक था, इसलिए आगे चलकर इसे बैन कर दिया गया। आखिर में 1855 में गस्टाफ एरिक पाश ने दुनिया का पहला सेफ्टी मैच स्टिक का आविष्कार किया। एरिक ने व्हाइट फास्फोरस के स्थान पर रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया और तीलियों को जलाने के लिए अलग से फास्फोरस का ही एक स्ट्राइकिंग सरफेस बनाया, जिस पर रगड़ने पर माचिस की तीली तुरंत ही जल उठती थी और सुरक्षित भी थी, तथा स्वास्थ्य और पर्यावरण के एतबार से भी ये सेफ्टी मैच स्टिक्स बेहतर थे। इसके बाद 1858 में जॉन एडवर्ड लंडस्ट्रॉम नामक एक आविष्कारक और उद्योगपति ने मैच स्टिक्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और पूरी दुनिया में इसे बेचा। अंत में जोसुआ पसे नामक फिलाडेल्फिया के एक वैज्ञानिक ने 1892 में माचिस के आविष्कार के लिए पहला पेटेंट प्राप्त किया। वो इन्हें फ्लेक्सिबल मैच कहते थे। तो ये था माचिस की तीलियों का सफर। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।